हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर तैयार कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। द लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि एक्स बाई टू से एक्स लिमिट है इसकी, साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए जीरो, वन बाई एट, वन बाई फोर एंड थ्री बाई एट। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स हमें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो बेसिकली अगर हम इसको देखें, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर जीरो यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा। इधर लिमिट अप्लाई करते हैं तो जीरो टू जीरो लिमिट जो होगी वो भी जीरो रहेगी, यानी जीरो बाय जीरो फोर में। अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो जीरो बाय जीरो फोर में, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉरी इसको लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन यू एक्स वी एक्स एफ एक्स डी एक्स हो, तो उस कंडीशन में यानी एफ एक्स सॉरी एफ एक्स या एफ टी डी टी हो, तो उस कंडीशन में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास डी ओवर सॉरी एफ यू एक्स, एफ यू एक्स पहले सॉरी पहले एफ वी एक्स आता है जो ऊपर लिमिट वो आती है एफ वी एक्स, उसके बाद डेल डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, उसके बाद माइनस एफ यू एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर डिफरेंशिएट करें तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म, साइन स्क्वायर एक्स एक नीचे वाली टर्म मानी जाएगी यहाँ पे, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स कोस एक्स, और अब ऊपर वाली टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले आएगा एफ वी एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स डॉट डी यू अपॉन डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन जो कि हमारे पास डी यू क्या है एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा माइनस, उसके बाद आएगा एफ वी यू एक्स, तो एफ यू एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा एक्स बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन टू, उसको हम यहां लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर अब हम लिमिट अप्लाई करें या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको लिख लेते हैं साइन टू एक्स, और अब हम लिमिट अप्लाई करें तो देखते हैं साइन इनवर्स एक्स, अगर जीरो पर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा और साइन टू एक्स जीरो, अब भी हमारे पास ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो फिर अब भी ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर ये साइन इनवर्स का हो गया, माइनस वन बाई टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, और अंदर वाली टर्म का होगा तो वन अपॉन टू, ये हो गया अपॉन नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हो जाएगा टू कोस टू एक्स, क्योंकि जब साइन एक्स साइन टू एक्स करेंगे तो कोस टू एक्स और टू एक्स करेंगे तो टू, ये चेन रूल से। अब फिर अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये जीरो नहीं होगा, लिमिट अप्लाई करने पे ये भी टर्म जीरो नहीं होगी, तो फुल टर्म भी वो भी जीरो नहीं होगी, नीचे वाली टर्म भी जीरो नहीं होगी, तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट अप्लाई की हमने तो ये हो जाएगा हमारे पास वन, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा वन अपॉन रूट वन, तो वन माइनस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये वन अपॉन टू तो है ही, इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो वन माइनस सॉरी वन अपॉन रूट वन माइनस ये जीरो हो जाएगा तो रूट वन रह जाएगा, ये अगर हमारे पास वन माइनस वन अपॉन टू, क्यों ये वन हो जाएगा वैल्यू, और सॉरी वन अपॉन टू ये हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास
फोर ये हो गया, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कोस टू है टू जीरो, तो ये कोस जीरो बराबर टू, तो ये हो गया टू, तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर इसमें से हम इसको वन माइनस वन बाई फोर करें तो थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर अपॉन टू, तो ये हो गया थ्री बाई एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसकी जो लिमिट की वैल्यू जो है वो थ्री बाई एट इसका आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चन को देखने के लिए, उनके सोल्यूशन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।